में मास्क एक बेहद उपयोगी वस्तु बनकर उभरा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना को रोकने के लिए मास्क पहनना एक कारगर उपाय है। इसी को लेकर खंडवा के एक समाज सेवी ने लोगों को मास्क निःशुल्क उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया। समाज सेवी सोमनाथ काले ने अभी तक करीब 17,000 मास्क बनवाकर लोगों को निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। इन्होंने बताया कि जब इन्हें पहले लॉकडाउन के शुरू होने पर जानकारी मिली कि सभी को मास्क पहनना जरूरी है, बाजार में उस समय मास्क की उपलब्धता कम और महंगे मिल रहे थे, तब से इन्होंने लोगों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध करवाने की ठानी। इनके इस कार्य से लॉकडाउन में बेरोजगार बैठे दर्जियों को भी रोजगार मिला। कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि सभी इस महामारी से बचने के लिए मास्क पहने या गमछे का उपयोग कर अपने मुंह को ढके ताकि इस खतरनाक वायरस से बचा जा सके। कोरोना काल के शुरुआती दौर में जब मार्केट में मास्क नहीं थे और जो थे तो बहुत ही महंगे थे, उस वक्त ही खंडवा के रहने वाले सोमनाथ काले भी अपने बचाव के लिए एक दुकान पर मास्क लेने पहुंचे। जब दुकानदार ने उन्हें एक ही कीमत 400 बताई तो उन्होंने सोचा कि इतना महंगा मास्क गरीब व्यक्ति कैसे खरीदेगा। इसी सोच को लेकर उन्होंने कपड़ा खरीद कर लॉकडाउन में घर बैठे दर्जियों से बात कर उनसे मास्क बनवाना शुरू किया। इससे बेरोजगार दर्जियों को भी इन्होंने रोजगार दिया और जरूरतमंदों को मास्क उपलब्ध करवाए। अभी तक इन्होंने करीब 17,000 मास्क बनवा कर निःशुल्क बांट चुके हैं। ये जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट लॉकडाउन की घोषणा करी थी, उस दिन उन्होंने ये कहा था कि इसके बचाव के लिए मास्क का उपयोग हर आम आदमी करे। हिसाब से मैंने बाजार में मार्केट में मास्क खरीदने के लिए गया तो मैंने देखा मार्केट में मास्क कहीं भी उपलब्ध नहीं थे, और थे भी तो 450-500-600 रुपये की कीमत के थे। तो मैंने कहा चलो आज किसी प्रकार से मैं तो ये मास्क खरीद लूँगा जो भी है, बाकी आम गरीब पब्लिक बेचारी क्या करेगी। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना अपन गरीबों की सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए मास्क बनाने का मेरे पास विचार मेरे मन में आया। तो मेरे टेलर भाई जो घंटा घर पे बैठते हैं, तो मैंने फिर कपड़ा खरीद करके और उनको दिया, उन्होंने मुझे मास्क बना कर देते रहे और मैं फ्री में निःशुल्क पूरे शहर में वार्ड में जहाँ जिसको आवश्यकता थी मैंने प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अपनी तरफ से उपलब्ध कराने की कोशिश करी। जहाँ तक कि पुलिस पॉइंट खड़ी रहती थी तो मैं पुलिस पॉइंट पर भी जो है जाके एक एक 100-200 मास्क उनको दियाता था कि कभी कोई व्यक्ति बिना मास्क के रोड पे निकल रहा है तो पुलिस वाले उसको मास्क उसमें से निकाल के दे देते थे और लोग मास्क लगा के घूमते थे। जन चेतना की दृष्टि से भी जो यह कार्य मैंने किया है कि लोगों को इसके प्रति जागरूकता फैले। या अभी तक मैंने अलग अलग प्रकार के जैसा मेरे को बाज़ार में कपड़ा मिलता गया उस प्रकार से जो है लगभग कोई मास्क 7 रुपये का, कोई 10 रुपये का, कोई 15 रुपये का, इस प्रकार से लगभग मैं अभी 17,000 मास्क जो है बनवा के बंटवा चुका हूँ और आगे भी निरंतर जैसी मुझे लगेगा कि यार ये और लोगों की आवश्यकता है तो यह सेवा मैं निरंतर करते रहूँगा। हाँ, तो लॉकडाउन के समय जो परिस्थिति हमारी ख़राब हो गई थी तो हमारे पूर्व पार्षद ने हमें काम भी दिया है और रोज़गार भी मिला, उससे हमारा परिवार भी चला है। उन्होंने सैनिटाइज़र भी निःशुल्क बांटे हैं और मास्क भी बनवाए हमसे, वो भी निःशुल्क बांटे हैं और अनाज पानी की भी मदद की है जिससे हमें परिवार चलाने में सहूलियत हुई है। और जो भी संकट हमारे समय खड़ा हुआ हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, साथ चले और हमारा काम किया उन्होंने, क्या कहेंगे आप धन्यवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। नाम बता दो। मेरा नाम है संतोष गजानन कुवादे।